ECAT के हवाले से हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 है, विच इज इंटीग्रेशन, उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम देखेंगे, और वो है जी एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स रिलेटेड। और हम देखेंगे किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और हम उनको किस तरह से डील करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट इंटीग्रल टू इवैल्यूएट इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 16 माइनस x रेज्ड टू 4 एंड द x एक्सिस। अब हम ये बात जानते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल ये एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल है, या एरिया अंडर द कर्व या एरिया अबव द कर्व, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस केस में हम बहुत इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि y = 16 minus x 4, y = 16 minus x 4 ये x एक्सिस पे कहां कहां पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 4 इक्वेशन है, ऑब्वियसली वी गोना गेट 4 पॉइंट्स जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब उसकी उनकी नेचर क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। y is equal to, I'll use a different color, y is equal to 16 minus x raised to power 4 को मैं यूं लिख सकता हूं, y is equal to 4 का square minus x square का square, यानी a square minus b square मैंने यहां पे फॉर्मूला बना लिया, a square minus b square मैंने यहां पे फॉर्मूला बना लिया। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अब आप जानते हैं कि यू नो इधर 4 square, यानी y is equal to, मैं लिख सकता हूँ y is equal to, मैं लिख सकता हूँ you know a minus b या a plus b, या a plus b, जो कि a square minus b square का formula है। अब देखें when this curve touches y axis, when the curve touches y axis, अब ये बहुत आपने quickly करना है, when the curve touches y axis, when the curve touches x axis, ठीक है, y will be zero, इसका मतलब y अगर आप यहाँ पे zero put करते हैं, 0 is equal to 4 in minus x square और 4 plus x square, so we know that के ये product सिर्फ उसी case में zero हो सकता है, ये product सिर्फ उस case में zero हो सकता है, either this has to be zero or this has to be zero, या ये zero हो या ये zero, दोनों zero भी हो सकते हैं, but अगर 1 भी 0 तो फिर भी काम बन जाएगा, 4 minus x square is equal to 0 और 4 plus x square is equal to 0, 4 plus x square is equal to 0, ये बन जाएगा 4 is equal to x square और x square is equal to 4 और x square is equal to 4 और x equal आ जाएगा plus minus 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें x square is equal आ जाएगा minus 4। अब this is the complex part, because negative, there is no number in a real number, there is no value in the real number जिनका square negative हो, तो that's gonna give us complex, तो complex को तो हम complex roots को तो हम नहीं deal करेंगे, हम बात करेंगे जो x square है वो यानी real line के ऊपर जो ये curve है वो दो point पे intersect कर रही है, one is at plus 2 and other is at minus 2, तो minus 2 is the lower limit, ठीक है, and plus 2 is the upper limit, इसका मतलब ये हुआ कि वो यानी वो वाला फंक्शन जहां पे माइनस टू टू प्लस टू, ओके, दैट्स पार्ट वन, दैट इज वन, इसका मतलब है दिस इज द बेस्ट डेफिनेट इंटेग्रल, दिस इज द बेस्ट डेफिनेट इंटेग्रल जो कि हमें एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगा, जो कि हमें एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि अगर आप देखें माइनस टू 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 करेंगे 16 माइनस एक्स फोर को, टू टू माइनस टू भी नहीं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम नहीं करते, माइनस फोर ये तो इस पे इन वैल्यूज पे एक्स एक्सिस टच नहीं कर रहा, सिमिलरली इन वैल्यूज पे भी टच नहीं कर रहा, तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपने देखा किस तरह से हमने पार्ट ए का आंसर फाइंड आउट किया। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, यदि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स क्यू प्लस वाई द एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू इज गिवन बाय दिस थिंग, ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, यानी आप इसको इंटीग्रेट करें माइनस वन टू टू आपके पास आ जाएगा, या माइनस टू 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 करें, या माइनस वन टू जीरो प्लस जीरो टू टू करें, या बोथ ए एंड सी, ठीक है, वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग। अब सबसे पहली बात है कि अगर आप देखें व्हाट इज एक्स क्यू प्लस वन कर्व, एक्स क्यू प्लस वन कर्व अगर मैं इसका रफ सा स्केच ड्रॉ करूं यहां पे, ठीक है, एक्स क्यू प्लस वन कर्व, तो ऑब्वियसली देखें मैं यूं ड्रॉ कर सकता हूं कि दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, अब एक्स क्यू प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, दैट मीन व्हेन वाई इज एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो
y is equal to is going to be equal to 1. ये है x0 y1. इसका मतलब है ये कुछ x cube का ग्राफ कुछ यूं होता है, ठीक है, कुछ यूं इसका ग्राफ होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ. हमने कोई एक्यूरेट इतनी एक्यूरेसी नहीं दिखानी यहाँ पे, हम जस्ट सिंपली इसको कर सकते हैं, सिंपल सिंपल वे में हम इसको करेंगे, ठीक है. अच्छा, और इसी तरह से when x is equal to 0, y is equal to 1 मैंने बात कर दी यहाँ पे, ठीक है. अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे जी के यू नो जब y is 0 तो x कितने, तो वी नो दैट कि व्हेन यू पुट y is equal to 0, ठीक है, देन x cube plus 1 या x cube is equal to minus 1, अगर आप cube root ले रहे हैं तो x is equal to minus 1 ही आ जाएगा, ठीक है. सो दैट मींस के minus 1, when y is 0 x minus 1, तो दैट्स वेरी क्लियर. और अनदर थिंग इज y is equal to 2, y is equal to 2, तो y is equal to 2 कौन सी लाइन, अगर मैं यहां पे ड्रा करता हूं 1 एंड 2, ठीक है, y has to be equal to y is equal to 2, that means के y को सिर्फ 2 रहना है, x can take any value, x can take any value. ओके, यहां पे एक हम करेक्शन कर लेते हैं, यहां पे एक हम करेक्शन कर लेते हैं, y is not basically this is x is equal to 2, ठीक है, this is x is equal to 2. अब देखिए, अगर x is equal to 2 है, अगर x is equal to 2 है, क्वेश्चन में this was x equal to 2, अब x equal to 2 का मतलब है this is x equal to 1 and this is x equal to 2, ठीक है. y can take any value but x has to be equal to 2. अगर आप यहां पे लाइन ड्रा करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, ये x equal to 2 की लाइन है, ठीक है. तो हमने कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है जिसको मैं यहां पे कलर कर दूंगा. बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है दिस एरिया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, जो मैंने यहां पे रेड मार्क में नजर आ रहा है ये एरिया. तो देखिए कहां से कहां तक, लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, ये है जी -1 से लेके बीच में 0 भी आता है एंड देन 1 एंड देन 2. तो लोअर लिमिट इज -1 एंड अपर लिमिट इज 2. इसका मतलब है ऑप्शंस में चले जाएं, ऑप्शन में हमारे पास देखिए -1 to 2 ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है -2 to 2, ये नहीं हो सकता. सी ऑप्शन, अब सी ऑप्शन इज ट्रिकी, अगर आप देखें तो उसने ब्रेक कर दिया -1 से 0 और हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स को, ये इंटीग्रल्स के लॉज हैं, इंटीग्रल्स के लॉज हमने पढ़ रखे हैं. अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं -1 to 0, आप इसको ब्रेक कर लें, पहले देखें -1 to 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, दिस पार्ट, और 1 to 2 करेंगे, 1 to 2 करेंगे, सॉरी -1 to 0 करेंगे ये पार्ट आएगा, 0 to 2 करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा. दैट मीन्स के दिस कैन ऑल्सो बी द वे, दिस कैन ऑल्सो बी द वे. तो लिहाजा I will go for the option both A and C, because A भी represent करता है, A से भी करें तब भी area आ जाएगा, C से भी करें तब भी area आ जाएगा. So don't, थोड़ा सा आपको सारे options को देखना जरूर, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने एक answer देखा और आपने उसको mark कर दिया. Don't do this mistake. मैं आपको ये बहुत strictly warn कर रहा हूँ कि जब भी आप MCQs को attempt करते हैं तो बड़े relax तरीके से क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ना है और ऑप्शंस को, तमाम ऑप्शंस को देखना है. समटाइम ऐसे भी होता है कि ऑप्शन एक से ज्यादा होते हैं और वो किसी और ऑप्शन में, बोथ ए एंड सी या बोथ ए एंड बी, तो यू हैव टू लुक इनटू दैट. समटाइम ऐसे होता है कि बोथ ए एंड बी में एक होता है एक नहीं होता, लिहाजा सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब इसमें ए और सी थे तो आई विल गो फॉर द ऑप्शन डी. सो डी इज माई बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस. इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है जो है जी, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स इज गिवन एज. अब हमारे पास दो कर्व्स हैं, देखें दिस कर्व इज, दोनों कर्व अबव एक्स एक्सिस हैं, ठीक है, जो कि गिवन इंटरवल ए और बी के दरमियान हमने एरिया फाइंड आउट करना है. हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो क्या है, 5, ठीक है. मीन अगर आप ए टू बी इंटरवल लेते हैं, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इन ऑल केसेस लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, एंड देन both B and C and both A and B. So we have to be very vigilant. हमें बहुत carefully जो है वो यहाँ पे behave करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी strategy क्या है. देखें अगर मैं A to B find out करता हूँ for f of x, यानी अगर मैं find out करता हूँ integral A to B, lower limit is A, upper limit is B for f of x dx, for f of x dx. So I'll get this whole area. अगर मैं इसको अब थोड़ा सा full कर दूँ, ठीक है, instead of dotted line में इनको solid line बना दूँ, इस तरह से मैं इसको भी सॉलिड लाइन बना दूं, तो इसका मतलब है अगर मैं यू करूंगा तो आई विल गेट दिस एरिया, दिस मच एंड दिस मच, यानी ये मेरे पास एरिया आएगा फॉर एफ ऑफ एक्स. लेकिन मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे तो चाहिए एरिया ये वाला, यानी दिस एरिया, ठीक है, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, रेड वाले एरिया में. तो ये जो एरिया है, ये मेरे पास एरिया कैसे सब्ट्रैक्ट होगा. अब आई नो दैट कि अगर मैं यहां पे a to b इंटीग्रल करता हूं, a to b g of x
का जी ऑफ एक्स डी एक्स का, तो आई विल गेट दिस एरिया ग्रीन वाला पार्ट. इसका मतलब अगर मैं टोटल एरिया में से माइनस करा दूं ये वाला एरिया तो आई विल गेट द रेड वाला पार्ट, आई विल गेट द रेड वाला पार्ट. ठीक है, इसका मतलब है कि नाउ यू कैन सी के ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स नो एड करने से नहीं आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने से आएगा. हाँ, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, पहले आप बेशक इन दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर आप लिमिट अप्लाई कर लें, ये भी राइट वे है. या अगर आप ए टू बी, जैसे मैंने यहां पे बाय डेफिनेशन आपको बताया, बाय डेफिनेशन यही है, तो दिस इज द पार्ट सी, दिस इज द पार्ट सी, तो सी भी ठीक है. लिहाजा आई एम नॉट पिकिंग अप माई ऑप्शन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दो ठीक, एक ठीक है, दो ठीक है, क्या है, मैंने देखा यहाँ पे दो ठीक है, बी एंड सी करेक्ट. तो बी एंड सी के लिए आई विल गो फॉर द ऑप्शन डी, सो डी विल बी माई ऑप्शन. सी ई ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, नो ए एंड बी, ए नहीं है बी है, तो लिहाजा ई कैन नॉट बी द ऑप्शन. तो ना सी बी और सी को देखते आई विल पिक अप माई ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जी, एरिया ऑफ द गिवन कर्व y equals sin of x when x is greater than minus pi less than pi is given as integral sin 0 to pi 2 times f integral sin 0 to pi, lower limit is 0, upper limit is pi, sin of x dx. या b option है, lower limit is minus pi, upper limit is pi, sin of x dx. and c is both a and b and d is none. अब आमतौर पर जो, बिकॉज हमें जो लिमिट दी गई, जो हमें रेंज, जो हमें डोमेन दी गई है, वो भी यही है कि माइनस पाई टू पाई, तो पीपल विल गो फॉर दिस ऑप्शन, पीपल विल गो फॉर दिस ऑप्शन, विच इज रॉन्ग. अब क्वेश्चन ये है कि ये रॉन्ग क्यों है. देखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व का, ट्रिग्नोमेट्रिक को ड्रॉ करें, इसका फंक्शन ड्रॉ करें, मैं थोड़ा सा इसको विद इन स्क्रीन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. अब वी नो दैट के साइन का जो बिहेवियर है कुछ यूं है, मैं थोड़ा क्विकली ड्रॉ करूंगा. साइन का जो बिहेवियर है, साइन 90 पे हमें जीरो वैल्यू देता है, ठीक है, साइन सॉरी साइन 90 पे मैक्सिमम, साइन जीरो जीरो होता है. साइन फॉर एग्जांपल दिस इज पाई बाय टू एंड दिस इज पाई, एंड दिस इज माइनस पाई बाय टू एंड दिस इज माइनस पाई. अब साइन 90 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, लेट्स सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 1, ठीक है, माइनस 1. अब इसका मतलब है जीरो पे साइन जीरो, 90 पे पाई, तो यूं हो गया, ठीक है, और 180 पे अगेन जीरो, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग इन दिस वे, ठीक है. और अगर यहाँ पे देखें तो माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन, और माइनस 180 पे अगेन जीरो, एल कीप ऑन गोइंग गोइंग. लेकिन हमारी लिमिट, हमारी हमारी जो रेंज है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, हमारी रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, हमने ये देखना है. अब देखिए, वन एरिया इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. नेगेटिव या पॉजिटिव में किस सेंस में बात कर रहा हूं? नेगेटिव मीन एरिया बिलो द कर्व, ठीक है, एरिया बिलो द कर्व. पॉजिटिव मीन एरिया अबव द कर्व. सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस. अब सपोज अ प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रॉब्लम यहां पे हमें ये आ रही है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, फॉर एग्जांपल माइनस पाई से प्लस पाई के सूरत में, ठीक है, यानी डायरेक्ट माइनस पाई से डायरेक्ट पाई, लोअर लिमिट इज माइनस पाई, अपर लिमिट इज पाई, साइन ऑफ एक्स dx. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि नेगेटिव एरिया एंड पॉजिटिव एरिया, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, विल गेट जीरो एज एन आंसर, जीरो एज एन आंसर, ठीक है. हालांकि आंसर इज नॉट जीरो, बिकॉज एरिया नेगेटिव का मतलब एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता. एरिया नेगेटिव का जो यहां पे मीनिंग है वो क्या है? बिलो द कर्व. और एरिया पॉजिटिव का मीनिंग है अबव द कर्व. तो इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए, अब चूंकि सिमेट्री है, अगर आप देखें तो साइन की कर्व में या कोसाइन की कर्व में देयर इज अ सिमेट्री, यानी जितना एरिया अबव द कर्व होगा फ्रॉम जीरो टू पाई, उतना ही एरिया बिलो द कर्व होगा फ्रॉम जीरो टू माइनस पाई, या फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो, लोअर लिमिट ऊपर लिमिट. जितना एरिया बिलो द कर्व फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो है, उतना ही एरिया अबव द कर्व फ्रॉम जीरो टू पाई है. सो द बेस्ट ऑप्शन कुड बी कि अगर मैं जीरो टू पाई एरिया फाइंड आउट कर लूं और उसको डबल कर लूं, या इट कुड बी कि माइनस पाई टू जीरो करूं और फिर जो एरिया आए I will take it as a positive, और उसके बाद obviously that will be positive. उसके बाद zero to pi करूं और दोनों को add कर लूं, फिर भी मेरे पास area आ सकता है. But doing this way is not the right way. आप इसको करके देख लें, ठीक है, you'll get zero as an answer. You'll get zero as an answer. इसका मतलब है जो उसने यहाँ पे उसने उस method से नहीं किया कि minus pi to zero करे and then add करे zero to pi. There is no option. Just to trick you guys. तो उसने क्या किया कि उसने two times of zero to pi कर दिया, because there is a symmetry. जीरो टू पाई करेंगे तो आपके पास एरिया अबव द कर्व आएगा, एरिया अबव द कर्व आएगा. उसको आप डबल कर लेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई बाय टू कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास एरिया बिटवीन माइनस पाई टू
plus pi जो है वो आ जाएगा and that will be the sum of the two areas. That will be the sum of the two areas. तो इस तरह से आप जो है वो इस problem को देखें तो I will go for the option number A. A is the right answer.